अब किसको बेवकूफ बना रहे नीतीश जी भाई, डर लगता है तो राजद आपके साथ है। नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी जदयू है बिहार के अंदर में, वो अनुकंपा पर है, तो हारे हुए का हराना क्या है। 10 तारीख को जन अधिकार पार्टी भी सड़कों पर उतर रही है। चिल्लड़ पार्टी के नाम लेते रहते, चिल्लड़ पार्टी का कोई सब कोई पार्टी है जी, चिल्लड़ पार्टी का क्या नाम लगता है जिसका विधायक नहीं, इन्ने उन्ने अपना सब रोजगार पार्टी है, एम्प्लॉयमेंट पार्टी है, अपना कुछ कुछ चलते रहता, चिल्लड़ पार्टी का कोई यहाँ वजूद है। राष्ट्रीय जनता दल किसी हड़बड़ी में नहीं, सत्ता तो बिहार की जनता ने राजद को दिया ही, जनादेश का अपमान कर करके चुनाव आयोग ने फैसला एनडीए के पक्ष में सुनाया, तो सवाल ये सामने खड़ा है, सबको पता है, इसलिए इन सवालों पर राजद पूरी तरह से मुस्तैद है। जल्दबाजी नहीं है, बिहार की जनता ना मुख्यमंत्री बनाती है, जिस दिन बनना होगा जनता ना बनाएगी, जिसको जनता चाहेगी हटाएगी, जनता चाहेगी बनाएगी, नीतीश कुमार तय करेंगे। लड़ाई हमारी है ही नहीं किसी तीसरे नंबर की पार्टी से, लड़ाई क्या, नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी जदयू है बिहार के अंदर में, वो अनुकंपा पर है, तो हारे हुए का हराना क्या है, तो खुद जो हारी हुई है उसको हराना क्या है, उसका क्या लड़ाई हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता दल तेजस्वी जी ने निर्णय लिया है कि नालंदा जिला में राजद गठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार यादव हों, आज उसी बाबत बैठक है। जिन लोगों ने 12 वर्षों में समाज को टुकड़े में तब्दील किया, जिन लोगों ने विकास में अपनी अभिरुचि नहीं ली, सिर्फ कहीं न कहीं भूपतियों के आकांक्षाओं की आपूर्ति में लगातार लगे रहे, तो नालंदा की महान जनता इस बार अपना निर्णय लेगी। जो व्यक्ति दूसरे के बैसाखियों पर जीत के गया है वो राजद का क्या टक्कर लेगा, इसलिए हारे हुए से क्या आप उम्मीद रखते हो, हारा हुआ है, जो हारा हुआ है, जो जो खुद हारा हुआ उसको हराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी बाखूबी इस जिले के अंदर में परचम फहराएगी और दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। बता रहे हैं कि जो लोग अनुकंपा पर है, जो लोग अनुकंपा ही मुख्यमंत्री है, जिनका दल प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव को सहन करती है, प्रतिदिन उन्हें अतिवादता को सहन करना पड़ता है, प्रतिदिन लाचार बेबस, इतना कमजोर बिहार के अंदर में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, बिहार का नेतृत्व करता बेहद कमजोर है, बेहद ही कमजोर, इतना कमजोर कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की एक हल्की सी प्रहार को सहन करने की भी स्थिति में नहीं है, तो वो लाचार है, तो हारा हुआ पार्टी से क्या लड़ाई क्या हो सकता है, जो हारी हुई है हारी हुई है। हमें लगता है कि आप लोगों ने देखा नहीं, ऑफर नहीं दिया, हमने कहा कि जनता दल यू जातिगत जनगणना विशेष राज्य का दर्जा, ये दो सवालात हमारे हैं, जिन सवालों को लेकर के लगातार निरंतर हम लोग उस पर काम किया है। तो नीतीश जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना सदन में पारित हुआ, अब किसको बेवकूफ बना रहे नीतीश जी भाई, सदन में जब पारित हो गया भाजपा भी साथ थी, राजद थी, जदयू थी, सीपीआई, सीपीएम, माले, जितने भी घटक दल हैं, जितने भी दल हैं सदन के अंदर में, सब लोगों ने पारित किया। तो अभी जो भाजपा से आग्रह कर रहे हैं कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं सहमति का, किस बात की सहमति, सदन में सहमति, मैंने कहा कि डर लगता है तो राजद आपके साथ है इस निर्णय पर, जाति के जनगणना के सवाल पर, विशेष राज के दर्जे के सवाल, किससे मांग रहे विशेष का दर्जा, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप यूनियन गवर्नमेंट में पार्ट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बिहार के अंदर में आप है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बीजेपी है, किससे मांग रहे हैं भाई विशेष राज का दर्जा, ये बेवकूफ बनाना हुआ ना। तो राजद इन दोनों सवालों पर हमने कहा कि बढ़िए और निकलिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकता, सोना और मुर्मू। तो नीतीश जी के अंदर अंतरात्मा जिनकी मर चुकी है, पलटी मारने की जिनकी आदत बन गई है, हर बार वो दिखाते हैं रूप लेकिन फिर जो है मांद में चले जाते हैं, तो उनको हम जगा रहे हैं कि निकलिए आइए। इन सवालों पर राजद पूरी तौर पर खड़ा बड़ा विपक्ष है, 75 सीटों का राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त है समर्थन, 75 MLA है, तो हमने आपको कहा कि आप आइए निकलिए। दोनों मांगों पर लेकर 10 तारीख को जन अधिकार पार्टी भी सड़कों पर उतर रही है। कहा चिल्लड़ पार्टी के नाम लेते रहते, चिल्लड़ पार्टी का कोई सब कोई पार्टी है जी।